वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर कर रहे हैं। इसमें कर रहे हैं हम टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। इसमें हमने किया था, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक डिस्काउंटेड मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड किया, सेकंड टाइप हम करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल बजटिंग में हम कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड का सेकंड पार्ट, दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो ये सेकंड मेथड होता है कैपिटल बजटिंग का। तो इसका मीनिंग क्या होता है, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोला जाता है। अंडर दिस मेथड एक्सपेक्टिंग अर्निंग ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिटरमाइंड। इसमें हम पूरी जो इन्वेस्टमेंट की होल लाइफ होती है उसमें कितनी अर्निंग होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। वेरियस प्रोजेक्ट्स आर रैंक्ड एज पर द रेट ऑफ अर्निंग। रेट ऑफ अर्निंग के अकॉर्डिंग हम जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको रैंक करते हैं। हायर रेट ऑफ रिटर्न मोर चांसेस ऑफ गेट सिलेक्टेड। जिस प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्निंग जो अर्निंग होगी वो हाई होगी, वही प्रोजेक्ट है जो सिलेक्ट किया जाएगा। देयर फॉलोइंग इज टू कैलकुलेट इट। तो इसके कौन कौन से वे हैं जिससे हम जो है रेट ऑफ रिटर्निंग निकाल सकते हैं। तो इसमें तीन मेथड्स आते हैं। फर्स्ट है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, सेकंड है रेट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेथड, थर्ड है रेट ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड। तो ये जो तीन मेथड्स हैं ये रेट ऑफ रिटर्न मेथड में आते हैं। तो फर्स्ट मेथड का क्या मीनिंग है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है। अंडर दिस मेथड एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड बाय द नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। तो जो एवरेज हमारे जो एनुअल प्रॉफिट है हम उसको डिवाइड करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। तो मान लीजिए चार साल का हमें प्रॉफिट हुआ है। एक साल का 10,000 हो सकता है, 20, 30, 40, ऐसे आपने जितने साल का प्रॉफिट होगा आप उसको प्लस कर लोगे और नंबर ऑफ ईयर के साथ उसको डिवाइडेड कर दोगे, तो आपके पास एवरेज जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है आपने एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। उसके बाद एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आर टेकन आफ्टर डिडक्टिंग एंड डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आफ्टर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन आएगा। तो इसका फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इनटू 100। इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज को फिल करना है और आपके पास आंसर है वो आ जाएगा। बस आपने इसमें इतना ध्यान रखना है, जो आप प्रॉफिट निकालोगे वो एवरेज निकालोगे, बट टोटल प्रॉफिट नहीं लेना है। टोटल जितना प्रॉफिट होगा उसको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर के साथ। देन यू हैव टू फिल दिस वैल्यू हेयर एंड डिवाइड इट विद द नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। तो ये है आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मैथड। नेक्स्ट है इसमें आपका रेट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैथड। तो ये मैथड क्या होता है, अंडर दिस मैथड टोटल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय द नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। अब इस केस में आपने एवरेज प्रॉफिट को नहीं निकालना है, आपने टोटल प्रॉफिट लेने हैं। जैसे आपको चार साल का प्रॉफिट है आपके पास, फर्स्ट ईयर का हो सकता है 10,000, सेकेंड का 20, थर्ड का 30, फोर्थ का 40, तो आपने चारों को प्लस कर देना है। टोटल प्रॉफिट निकालना है, एवरेज नहीं निकालना। बस दोनों में यही डिफरेंस है, इसमें आपका जितना प्रॉफिट होगा उसका सबसे पहले आपने एवरेज निकालना है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट होता है जितने ईयर्स का प्रॉफिट है उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। लेकिन इसमें आपने टोटल प्रॉफिट निकालना है, उसको डिवाइड नहीं करना है। टोटल प्रॉफिट मान लीजिए आपके पास चार साल का है, आपने उसको डायरेक्ट प्लस कर देना जो भी आपके पास वैल्यूज आए, तो ये होगा आपका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इनटू 100। देन आपको इसमें वैल्यूज फिल कर देनी है और आपका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। देन कम टू अ थर्ड मेथड, दिस मेथड इज नोन एज रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड टोटल इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड बाय 2। जो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको आपने 2 के साथ डिवाइड करना है। मान लीजिए मैंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसमें मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है, तो 10 लाख को मैं डिवाइड करूंगी 2 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगी 5 लाख वैल्यू।
तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना है टू के साथ, जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, देन वैल्यू पुट इन द फॉर्मूला। तो अगेन आपने टोटल प्रॉफिट लेना है, ऐसे ही आपने फर्स्ट स्टेप सभी साल का जो आपका प्रॉफिट होगा उसको आप प्लस कर दोगे। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टू, जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख थी उसको डिवाइड किया टू के साथ, 5 लाख जो निकला आपका उसके साथ डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूले में आपकी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर निकल आएगा। तो ये आपका मेथड था रेट ऑफ रिटर्न मेथड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड और जो इसके आगे सब पार्ट्स थे। तो यहाँ पे जो आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है वो खत्म हो रहा है। डिस्काउंटेड मेथड हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।